ये हमारा गाइड है, ये थोड़ा कुछ बताएगा। टैम सुनियो। यस माय नेम। ओके ओके एवरीवन स्टे इन द लाइन। सही, हम हरियाणा वाले हैं। हरियाणा वाले हैं। वाकई में अद्भुत है, फोटोज काफी खिंचवाए हैं हमने यहाँ पर, और ये सब देखने के नजारे तो हैं ही। तो भाई मायावी बीच नाम सुना था, आज देख लिया। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक नई वीडियो में, और ये वीडियो एक्सटेंड रूप है पिछली वाली वीडियोस का। जिस तरह से हमने मायावी बीच जाने का फैसला किया है अब अगला, लेकिन उससे पहले हम फीफी बे भी जो आइलैंड है वहां हम होके आ चुके हैं। अगला हमारा मायावी बीच है, और मायावी बीच में कई हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। एक बीच हम और आइलैंड जो है और भी कवर करेंगे, जहां पे कहो ना प्यार फिल्म की शूटिंग हुई थी वो भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन अभी हम जो फीफी आइलैंड है वहां से निकलते हुए मायावी बीच की तरफ जा रहे हैं। मायावी वहां दिखाएंगे किस तरह का नजारा है, वो सब आपको दिखाना है। और जो मायावी जो फीफी बे बीच है यार, ये इनका नाम ना बड़े अजीब है, ढंग से बोलने भी ना जावे कि नाम क्या है। ये देखो दिखाते हैं आपको, ये फीफी आइलैंड है, और ये फीफी को हम यहाँ से छोड़ते हुए आगे जा रहे हैं मायावी बीच की तरफ। एक आइलैंड वहां पे आपको नजर आ जाएगा, इसी तरह समुद्र में पूरे में आइलैंड ही आइलैंड भरे हुए हैं। तो ये देखो यार, पैसा वसूल तो है, ये तो है। हेलो, ये हमारा दोस्त है, ये यहाँ का गाइड है। हिज नेम इज कैम। इसका नाम टैम है, ठीक है। ये आगे हम मायावी बीच। ये आइलैंड आ गया, अभी हम यहाँ से बोट ने बंद कर दिया, बोट आगे तक जाएगी, ये हमें उतार देंगे वहां पे, और फिर हम अंदर जाएंगे माया बीच में, अंदर पैदल जाएंगे। हालांकि यहाँ पे नहाना अलाउड नहीं है, लेकिन जो नज़ारे होने वाले हैं वो कितने शानदार होने वाले हैं वो भाई यहीं से देख के आपको पता लग गया होगा कि शानदार नज़ारे होने वाले हैं। क्या दिखा रहे हो ये? What is this? Okay, this is our meeting point. Okay. So our meeting point is opposite the toilet. Okay, Maya Beach on the other side. The time we over at 12:30. Half past 12, we will meet under Team Tam Tree. Okay. Yeah. I walk until you guys see me under the tree, nah? And when we walk on the island, our lens is on the left. Okay, nah? Okay. In 3 minutes. อีกฝั่งนึงครับผมเดี๋ยวเดินจากฝั่งนี้ปะตานีอะไรแค่บอกได้ไม่เข้าใจภาษาดูแล้วแค่อะไรครับผมเวลากลับมาขึ้นเรือคนดิกรีผมให้คุณกี่สารอยู่ที่นี่ใต้ต้นไม้แล้วก็พอคนปุ๊บจะปะตานีครับผมแล้วก็เดินกลับมาจะให้ดิขาตาผมให้พี่อาพวกคุณअभी तो आप ये नज़ारे लीजिए, नज़ारों का लुत्फ लीजिए। ये नमस्कार, अंदर जाएंगे इसमें पैदल, बहुत लोग हैं यार, बहुत लोग हैं, और अधिकतर ना आपको विदेशी मिलेंगे। हमें बहुत से लोग अपने गुड़गांव के मिले हैं, वो मिले हैं यहाँ पे आए हैं, और ये यहाँ पे माया बीच में अब हम जाएंगे। ये वहां से हमें अनलोड करेगा पूरी हमारे इसको बोट को, और फिर उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। ये इन दोनों पहाड़ियों के बीच में जाएंगे, माया बीच है बीच में है, और फोटोग्राफी के लिए बड़ा बेहतरीन बताया जाता है, बहुत बेहतरीन है। तो वहां अंदर चलते हैं, वो जरा दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ से अब अनलोडिंग होनी शुरू हो जाती है माया बीच पर, और धीरे धीरे चलते हैं। ये बोट बहुत ज़्यादा हिल रही है क्योंकि यहाँ बहुत सारी बोट्स है ना, इसलिए। तो चलते हैं, हम आ गए हैं अब माया बीच पर, और यहाँ से हमारी बोट जो है वो अनलोडिंग हो रही है। मेहता जी भी आ जाते हैं, और यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसा है, ओ भाई मारेगा क्या। ये लॉन्ग बोट है, और ये प्लास्टिक वाले पीपे हैं जो धरे हैं, और अब हम चलते हैं आगे। चले मेहता जी आगे गो। बहुत ज्यादा ना हिल रहा है, देखो किस तरह से पूरा हिलते हुए, लेकिन व्यूज जो आपको देखने को मिल रहे होंगे यार शानदार है। नहीं, इस तरह से शानदार देखने को मिलता है।
चले मेहता जी, लेट्स गो। तो भाई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर लोग खड़े हैं, सारे हिल रहे हैं अलग अलग तरह से, सॉरी अलग अलग तरह से लोग, देखो कैसे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है ये सारा। और इस फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर टिक पाना बड़ा मुश्किल है। देखो ये सीढ़ियाँ जो ऊपर अब हैं चढ़ने के लिए, लेफ्ट से हमें जाना है, वही अपना भारत वाला सिस्टम कि लेफ्ट साइड में हमारी जो ड्राइविंग होती है। तो ये माया बीच की तरफ जाते हुए, और यहाँ से नज़ारे भी हैं, नज़ारे भी आप साथ साथ ले सकते हो, नज़ारे देखो क्या शानदार लगते हैं यार। और अनाउंसमेंट्स भी हैं, और यहाँ से शानदार नज़ारे भी हैं जो आप लोगों को मेरे पीछे देखने को मिले। और इसी बेहतरीन नज़ारे जो है वो अंदर माया बीच में अब मिलने वाले हैं। यहाँ बताया जाता है कि फिल्म की शूटिंग हो चुकी है, कई फिल्मों की जो बॉलीवुड फिल्में हैं उनकी शूटिंग हो चुकी है। और पीछे जो समुद्र है उसके बाद ये बीच में यहाँ पर अभी दिखाते हैं आपको, देखो ये सारा मतलब पहाड़ी के अंदर है, और ये हाई टाइड जब आती है तो इसमें पानी आ रहा है अंदर, यहाँ पे इस तरह से आता है। ये माया बे जो है सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुला होता है। यहाँ पर नेशनल पार्क फी एंट्रेंस है, जो वो 400 बाट की है। यहाँ पर ये नेशनल पार्क है, यहाँ पर फॉरनर्स के लिए, अडल्ट के लिए 400 बाट, और जो चाइल्ड है उसके लिए 200 बाट। हमने टिकट लिए हैं शायद, नेशनल पार्क है यार यहाँ पर। और शानदार ग्रीनरी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ये इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मैं इनकी थाई भाषा में लिखा है तो समझ में तो हमें आ नहीं रहा है, लेकिन भीड़ काफ़ी है यहाँ पर। वेलकम टू माया बे। ये कहीं गल्फ कंट्री जैसे लग रहे हैं, ये देखो इंडोनेशिया के लग रहे हैं। जो नहीं आ पाते हैं बेचारे, वो हमारी वीडियो के माध्यम से देखिए। और यहाँ हमारा टैम बैठे हुए हैं। हे हे माय ब्रदर, वेयर इज आवर ट्री? हाय हाय, वेलकम टू टीम टैम ट्री। ओके, टीम टैम ट्री, दिस इज द टीम टैम ट्री। यस, एट 12:30 यू हैव टू बी ऑन द ट्री हियर। ओके, मतलब इसका कहने का मतलब ये है भाई, 12:30 बजे इस पे चढ़ना है ऊपर, ये टीम टैम ट्री है। 12:30 कम बैक हियर। Okay, okay, Maya Beach. Just this way, right? Yes, sir. Maya Beach. Okay, enjoy your time, Maya Beach. And National Park? Ah, this area, all this area, National Park. Okay, this is all the National Park. No elephant, nah? No elephant, no tiger, no lion. हाँ. Okay. ये भाई मजा किया बहुत है लौंडा ना। तो ये माया बी बीच है, और महिलाएं कुछ इस तरह के कपड़े भी पहनकर आती हैं, देखा ही आप लोगों ने। नेशनल पार्क है भाई यहाँ ना, थोड़े पेड़ पौधे अच्छे लगे हैं, इसको इसलिए नेशनल पार्क घोषित कर दिया है। 400 बाट यानी लगभग 1000 रुपए भारतीय रुपए, 1000 रुपए ये लोग चार्ज करते हैं यहाँ घूमने के विदेशियों से। और यहाँ के अगर लोकल हैं, थाई के रहने वाले हैं, थाईलैंड के ही, तो उनसे मात्र 20 बाट यानी कि 20 उनका तो 20 रुपया ही हुआ, तो वो चार्ज किया जाता है। अब नेशनल पार्क क्या है, आपको नजर आ ही रहा है, सारा ग्रीनरी है, कोई यहाँ पर वो नहीं है, जानवर नहीं है, जंगली जानवर नहीं है, नेशनल पार्क बोल दिया है तो वही है बस। और ये जो पगडंडी है इससे नीचे नहीं उतरना है हमें, ये रूल्स हैं, और अगर रूल्स कोई तोड़ता है तो 10,000 बाट का जुर्माना भी है। ये पेड़ों के पार दिख रहा होगा कुछ, वाह यार लग तो शानदार रहा है यहाँ। अच्छा वहाँ नीचे भी जा सकते हैं हम। ओके, ये देखो यार शानदार है ना, क्या शानदार बीच है ये माया भी बीच। नीचे भी हम जा सकते हैं, नीचे घूम के हम जा सकते हैं, वहाँ जाके हम फोटो वगैरह खिंचा सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी हम कुछ कम नज़र नहीं आ रहे हैं, यहाँ से भी हम सही दिख रहे होंगे।
और पीछे मेरे माया बीच है। कई फिल्मों की शूटिंग हुई है इस जगह पर, हॉलीवुड फिल्मों की, और बॉलीवुड वाले तो आते रहते हैं, वो भी ऐसी चीज़ें खोजते हैं। ये बीच है, इसमें नहाने के लिए मनाही है, लेकिन नीचे जाकर आप फोटोग्राफी वगैरह करा सकते हैं ताकि अच्छे फोटोग्राफी आए और आप अपने सोशल मीडिया पर या अपनी मेमोरी के तौर पर उन फोटोग्राफ्स को रख सकें। तो नीचे एक बार चलते हैं। ये यहाँ से नीचे हम जाने के लिए, वेलकम टू माया बीच, यहाँ फ़ोटो खिंचाने के लिए लोग खिंचा सकते हैं, यहाँ बैठ के सब लोग लाइन में खड़े हैं। और स्विमिंग यहाँ पर अलाउ नहीं है, नो स्विमिंग का बोर्ड लगा है साफ तौर पर, लेकिन आप नीचे जाकर फोटोग्राफी यहाँ पर करा सकते हैं जो कि एक बेहतरीन विकल्प है। और ये देखिए भाई, ये मतलब पैसे खर्च करने का फ़ायदा तो है मतलब पैसा खर्च करने का फ़ायदा है कि आप यहाँ आएं और यहाँ आकर आप ये मज़े लें। ये थोड़ा सा अब हम ऐसे कर देते हैं ताकि हम भी इस वीडियो में नज़र आएँ आप लोगों को और लोग ये जान सके कि भाई हाँ, सुनील जो है वो गया है माया भी बीच में गया है। यहाँ इस पानी को हम खाली एहसास कर सकते हैं, इसमें स्विमिंग अलाउ नहीं है, इसमें आप फ़ोटो करा सकते हैं। आप नीचे खड़े होके बीच पे अलग अलग तरह के फ़ोटोज़ आपके हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर स्विमिंग नहीं कर सकते हैं, ये साफ बोला गया है। हाय हाय, लोग आते हैं जब तो फिर खुशी इस तरह से, जो किसी का कैमरा दिख जाए तो लोग फिर उसको हाय भी करते हैं और इस तरह से फोटोज़ में भी आते हैं, वीडियोज़ में भी आते हैं। तो भाई ये कैसा लग रहा है आप लोगों को बीच, इसके बारे में भी बताएं, ठीक है। और यार मैं तो यही कहूँगा, अगर आपका बनता है कुछ जुगाड़ तो ज़रूर आओ भाई। मतलब थाईलैंड आकर मेरी सोच बदल गई। जब मैं शुरू में डिसाइड किया हम लोगों ने थाईलैंड जाना है, तो मन में ये हुआ कि यार कोई किसी को बताएंगे तो कहेगा, गलत सोचेगा। लेकिन यहाँ का पैकेज कराया और यहाँ जब पहुँचे हैं तो भाई जन्नत। मतलब एन्जॉयमेंट वाले लोग जो शराब पीकर या बियर पीकर मज़े लेते हैं, उनको बिना बियर पिए वो आनंद आ जाएगा, बिना शराब पिए आनंद आ जाएगा। और यहाँ आए हाय, क्या ठंडी हवाएं, क्या शानदार मौसम और क्या ऊंची ऊंची ये पहाड़ियाँ, शानदार, वाकई में शानदार हैं। और इस शानदार जगह का लुत्फ लेने के लिए अगर आपका प्लान बनता है तो आपको ज़रूर आना चाहिए। बहुत बेहतरीन जगह है, देखने लायक जगह है, ठीक है। मैं अब एक दो फोटोज़ खिंचवा लेता हूँ किसी से। तो भाई यहाँ पे जो एक जो खतरनाक चीज़ है ना, वो ये है कि यहाँ ये हवा का झोंका इतना ज़बरदस्त आता है। और झोंका आने का जो मतलब है ना, वो किस लिए है, क्योंकि सामने से जब हाई टाइड आती है, सामने से हाई टाइड आती है तो ज़ोर से पानी आता है, और ज़ोर से पानी के साथ साथ जो प्रेशर बनता है, वो प्रेशर की वजह से हवा का झोंका आता है और आप खड़े खड़े लिटरली एकदम झटका सा लगता है आपको। और जो मिट्टी है ना, ये ऐसा लगता है जैसे सुइयां चुभा दी हूँ आपको। इतना शानदार एक्सपीरियंस यहाँ पर इस तरह का माया बे बीच पर, वाकई में अद्भुत है। फोटोज़ काफ़ी खिंचवाए हैं हमने यहाँ पर, और ये सब देखने के नज़ारे तो हैं ही। तो भाई माया बे बीच नाम सुना था, आज देख लिया। अब इसके बाद हम आगे स्नॉर्कलिंग के जाएंगे और मंकी बीच पे जाएंगे, वहाँ की भी वीडियोज़ हैं वो दिखाऊंगा। मुझे पता है ये वाली वीडियो लंबी हो चुकी है, तो माया भी बीच की कुछ तस्वीरें यहाँ से वापस जाने की। और बारिश आ गई है अब यहाँ पर, ये बस सबसे बड़ी। हे मिस्टर, रेनिंग, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, सो इट्स रेनिंग, लेट्स रन। यार भागना पड़ेगा नहीं तो भीग जाएगा सब कुछ। अरे हवा भी इसी साइड की है यार, मैं तो ये भीग जाएगा सब कुछ, हवा भी इसी साइड की है। उधर चले, सामने सामने नीचे, वहां पे नहीं भीगेगा। तो ये फोटो खिंचवाते हैं एक दो और फिर यहां से चलते हैं, और अगले बीच की जो तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, वो भी दिखाएंगे अगले एपिसोड में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को छोड़ना नहीं है, बहुत सी चीज़ें अभी बाकी हैं, वो सब चीज़ें भी आप लोगों को दिखानी है। तो एक फ़ोटो ज़रा यहाँ पे खिंचवा लेते हैं और यहाँ से वापस जाने की कुछ वीडियोस इसके बाद। बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो कैसी लग रही है उसके बारे में भी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, लाइक भी करें और वीडियोज़ को शेयर भी करें। किसी को यहाँ पर आना है तो यार ज़रूर आएं। अब ये वापस जाने का यहाँ से
हमारी तैयारी हो चुकी है मायावी बीच से वापसी के लिए। और सामने देखा ये कैसा शिवलिंग जैसा रखा हुआ है, ये सारे नज़ारे यहाँ पर शानदार नज़ारे। मायावी बीच से वापसी जाते हुए हम, अब लोग कम हो गए क्योंकि सुबह जो आए थे वो जा चुके हैं यहाँ से। तो यार ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, तो ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको और भी बहुत सी चीज़ें हम दिखाएंगे, बहुत से बीचेस पे हम जाएंगे, ऐसे ही आइलैंड पे जाएंगे और वहाँ की चीज़ें दिखाएंगे। और ये हमारा गाइड है, ये थोड़ा कुछ बताएगा। टैम सुनियो। Yes, yes, my name. Okay, yeah. Okay. Everyone Sait, stay in the line, huh? Sait, हम हरियाणा वाले हैं। हरियाणा वाले हैं। हाँ। गुड़गांव बना देंगे। Okay, हाँ? गुड़गांव बना देंगे। गाडुआ। गुड़गांव। गुड़गांव। बना देंगे। बना देंगे। घूमने आ जाओ। Okay. Okay. Oh, okay. ये अच्छा बंदा है, इससे दोस्ती तो हो ही गई है हमारी। और चैनल भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब कर लो, बस यही एक रिक्वेस्ट है बार बार आप लोगों से, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जब भी वीडियो नई डलेगी तो आप लोगों को तुरंत देखने को मिलेगी। ठीक है, वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करके भी आप जरूर बताना, वीडियो को शेयर भी करो यार, दिखाओ सब लोगों को। बाय।